वेलकम बैक में मैं हूं आपका अपना राज भाई राज आपके सामने ना एरोक्स। और ये एरोक्स वैसे तो इकलौती तो नहीं कहूंगा इसे, बट ना इतना जरूर है कि सेकंड या थर्ड जरूर होगी ये वाली एरोक्स, क्योंकि इसमें इंडोनेशिया थाईलैंड वाला पूरा माल जो लग रहा है 90% वो है आपका आरसीबी का ओरिजिनल। जैसे ही देख सकते हो आप आरसीबी की आपकी लग चुकी है इसके अंदर ये डिस्प्ले जो कि मिलेगी आप रेड और स्टील, ये इसका मैचिंग का कलर दिया गया है जो कि देख सकते हो, क्योंकि ये स्टील इसलिए मैंडेटरी ब्रेक लगने के बाद कलर फेड हो जाए इसलिए, बट ये रेड है। लुक देखो किस कैसी आ रही है इसके लगने के बाद। और अभी इसके अंदर और बहुत कुछ आरसीबी का लगने वाला है, जैसे कैलिबर है ये देखिए आरसीबी का कैलिबर जो कि मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये भी इसमें भी फिट होने वाला है देख सकते हैं आप। और साथ में इसमें भी फॉर्क स्लाइडर ये लगने हैं, फॉर्क प्रोटेक्शन ये लगने हैं, और कितने ये लगेगी इसकी अंडर वैली जो कि मिलेगी आपको, अंडर टेल वैली है जो कि मिलने वाली है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर आपको मिलेंगे मल्टीपल लाइट्स, लुक चेक कर लो इसकी किस तरीके से यहाँ पर इसकी लाइटिंग होगी जो कि आपकी चलेगी। ये देख सकते हैं इसके अंदर एक रिमोट दिया हुआ छोटा सा, इसे पुश करेंगे तो इसे कलर चेंज होगा, बाकी येलो का इंडिकेटर के साथ इसमें ये इसमें लगने वाला है। ये वाइज़र कुछ इस तरीके देखने मिलेगा आपको, देख सकते हो आप, ये आपका रेड कलर देख रहे हो आप, रेड लाइटिंग आएगी यामा के लोगों के साथ। और सीट भी इसके अंदर लगनी है इंडोनेशिया थाईलैंड वाली, एक ये देख सकते हैं ये भी इसका मटफ्लप भी इसके अंदर लगेगा। अब बात कर लेते हैं आरसीबी के लीवर इसके अंदर लग चुके हैं, देख सकते हो आप लीवर हम लगा चुके हैं इसके अंदर, और हैंड ग्रिप भी इसके अंदर लगेंगे आरसीबी के, और आरसीबी के ओरिजिनल लगेंगे लीवर स्लिप, और साथ में आरसीबी के शॉकर्स जो कि देख सकते हो आप ये भी इसके अंदर इंस्टॉल होने वाले हैं। और जो आपने अब तक देखे थे ना ये थोड़े से डिफरेंट है, वो थे जो मैंने लास्ट टाइम लगाए थे 22,000 प्रिंट वाले, बट ये हैं आपके 24,000 रुपीज़ प्रिंट। और प्रिंट पे आरसीबी जितने भी आइटम थे ना सब पे मैं डिस्काउंट देता हूँ, डिस्काउंट के पूछने के लिए आपको क्या करना है डीएम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है ना। तो इस पर आरसीबी जितने भी आइटम सब पे मैं देता हूँ डिस्काउंट, ठीक है ना। और ये 24,000 प्रिंट वाले हैं जो कि मिलते हैं कुछ तरीके से, और लगने के बाद ना आप समझ लो कि आपकी जो बाइक है ना स्कूटर मतलब मैक्सी स्कूटर पता है आपको, तो ये क्या है काफ़ी कंफर्ट फील करेंगी जब राइड करेंगे। तो बाकी इसके ओरिजिनल जो शॉकर हैं आरसीबी के फ्रंट वाले ये मैंने ऑर्डर कर दिए हैं, नॉर्मल मैंने पहले लगाए थे मोटर रेसिंग के, बट उसमें थोड़ी सी कंप्लेंट आ रही थी तो इस कारण से मैंने वो नहीं लगाए हैं इसके अंदर, वरना भैया को वो भी लगवाना था फ्रंट शॉकर्स, तो वो मैं इसमें लगाऊंगा नेक्स्ट टाइम। फिलहाल अब ये देख लो ये सारा समय इसमें लग रहा है, अभी इसमें बैंड पंप निकल चुका है, एग्जॉस्ट भी इसके अंदर लगना है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये नेपोलियन के इसमें न्यू मॉडल वाले ये भी इसके अंदर मिलेंगे लगेंगे, इसके बारे में मिरर एरोक्स के आपको मिलेंगे ये साथ में देखने को, इधर एरोक्स की ब्रांडिंग वाले व्हील स्ट्रिप जो कि ये भी इसके अंदर लगनी है आपको मिलेगा इसके अंदर, ये आपका टैंक का स्टिकर पूरा ये भी इसके अंदर लगना है इसके अंदर। और साथ में इसमें टायर अगर रियर इंडिकेटर जो कि मिलते हैं यामा के ओरिजिनल एलईडी वाले ये भी इसके अंदर लगने हैं, साथ में टायर अगर जो कुछ मिलेगा इस तरीके से कार्बन ये भी इसमें लगना है। और बात करें जाए टॉप रैक वगैरह, तो मैं इसमें ना इतनी आइटम है ना मैं दिखा नहीं पाऊँगा आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा, मतलब स्टार्टिंग में जो भी होगा एंड में आपको दिखाऊंगा, इसमें और भी बहुत कुछ इसमें लगना बाकी है। और मेरे हिसाब से पहली ऐसी होगी जो फर्स्ट टाइम सारी कंप्लीट एक साथ हो रही है, अदरवाइज़ क्या होता है ऐसी जो स्कूटर मैक्सी स्कूटर होते हैं क्या होता है आज ये लगवा लिया कल वो लगवा परसों वो लगवा लिया इस तरीके से एक्सपेंस किया जाता है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जो बचने वाला है 99% काम इसका सारा हम करेंगे आज ही, और 1% जो रह जाएगा लाइक शॉकर जो मैं बताया आपको वो होगा इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि वो भी मुझे चाहिए कौन सा आरसीबी का, मैं मोटर सिंगल नहीं लगाऊंगा इसके अंदर, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी लीकेज की इसलिए। तो बाकी एक बार भैया से मिल लेते थोड़ा सा, भैया बैठे हुए तो सर कैसे हैं आप? हेलो भैया, और ये बताओ कैसे आए हैं और कैसा फील हो रहा है अभी तक आपके यहाँ पर? भैया फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, काफ़ी सर्च किया था यूट्यूब पर ही कि मतलब मॉडिफिकेशन तो करवानी थी मेरे को, तो फिर और भी मेरे को मार्केट में मैंने वीडियोस काफ़ी होकर देखी, बट आपका ज़्यादा अच्छा लगा, और फिर यहाँ पे कईयों से रेफरेंस लिया तो सब ने एक ही बोला कि जो करवाना है जेन्युइन पार्ट्स आपको चाहिए वो राजू भाई की शॉप से करवाओ, आपको जेन्युइन पार्ट्स मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर कोई पार्ट आपका लग रहा है आपको पसंद नहीं है तो चेंज नहीं होगा, एक बार बोल दिया कि सर लग गया अब तो नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, पसंद है तो लो, नहीं पसंद है तो सिंपली आराम से, काफ़ी हम्बल नेचर है भाई का। और एक चीज़ और बोलूँगा, लोग कहते हैं कि यार कहीं पे भी कुछ करवाना हो तो इनको जैसे इनका आप देखोगे राजू भाई मॉडिफिकेशन लिखा है, इसके नीचे एक लाइन और ऐड कर दो, वी यू योर नीड इट वी हैव इट, आपकी ज़रूरत हमारे पास है, बस यही बोलूँगा राजू भाई को। तो करते हैं आप कंप्लीट और उसके बाद दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या लोड हुआ है, तो चैनल बने रहने के लाइक सब्सक्राइब शेयर राजू भाई इसका जो मिलेगा यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो देख सकते हैं इसके अंदर बैंड पाइप लग चुका है फुल सिस्टम, इसमें हम लगा रहे हैं, बाकी सारा सामान तो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था क्या क्या इसके अंदर लगा रहे हैं,
और एंड में भी दिखा दूंगा इसमें क्या क्या लगा है। फिलहाल आप चेकआउट करो एग्जॉस्ट की साउंड के किस तरीके की इसमें आने वाली है। पहले इसमें लगाया है एक्रा पब्लिक जो कि मिलता बेसिक वाला, इसके सुनते हैं साउंड, फिर दिखाएंगे दूसरा। लॉन्ग वाला और इसका ये होता है लॉन्ग वाला, देख सकते फुल्ली कार्बन लुक भी डिसेंट हो रही है इसके अंदर और साउंड सुनते हैं इसकी। आइडल पर तो कुछ नहीं आ रही, वैसे टिपिकल लगा हुआ है पहले। अब डिपिकल हटाते हैं, उसके बाद डिपिकल हटा के साउंड सुनाते पहले इसका। अब निकल चुका है इसका डिपिकलर और अब देते हैं इसके थ्रोटल, सुनते हैं इसकी साउंड। रेस दीजिए भाई साहब, देखो मुझे तो पसंद आ चुका है और शायद भैया को भी पसंद आ चुका है। मैं ज़्यादा सुनाऊंगा नहीं तो हो जाएंगे भैया कंफ्यूज, तो भैया को कंफ्यूज ना करते हुए पहले भैया से देख लेते हैं भैया का सजेशन क्या है, ये लगाना है क्या लगाना है, क्या कहते हैं भैया कौन सा अच्छा था ये वाला साउंड, ये वाला अच्छा है ना, देखा मेरी पसंद का लुक भी अच्छी आ रही है। चलो जी अब करते हैं इसे कंप्लीट और कंप्लीट करने के बाद सब कुछ दिखाते हैं आपको A to Z 1 to All क्या क्या इसके अंदर हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर कि इसके अंदर किया गया है टोटल वर्क RCB का। जैसे कि भैया जो है RCB के फ़ैन नहीं है, वो सिर्फ क्वालिटी के फ़ैन है, तो क्वालिटी जो मिली आपको यहाँ पर मिल गई है RCB का सारा सामान। करते हैं स्टार्ट RCB से क्या क्या इसके अंदर RCB का लगाया गया है। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, देखिए इसमें लगा देंगे लीवर जो कि मिलते हैं आपको RCB के ओरिजिनल कलर, जिसका मिलता है आपको ग्रे। आप चौथे में और भी कोई कलर ले सकते हो, जो आपको चाहिए वो आपको इसके हमारे पास मिल जाते हैं RCB के लीवर्स। सेम इधर दोनों तरफ देख लेंगे और ये होते हैं आपके एडजस्टिंग वाले, देख सकते हैं एडजस्ट कर सकते हो अपनी फिंगर के अकॉर्डिंग। और साथ में इसमें RCB की लगा दी गई है इसमें लीवर ग्रिप जो कि मिलती है ओरिजिनल RCB की। इसे लगाने के बाद एक तो ना आपके लीवर्स वगैरह में क्या होता है आपकी फिंगर स्लिप हो जाती है ज़्यादातर बारिश में पसीने में, तो अब इसमें स्लिपिंग का खतरा भी हो चुका है ख़त्म पूरी तरीके से। दोनों इधर भी सेम इधर RCB के मिलेगा इसके अंदर देखने को आपको। ये देख सकते हो हैंड ग्रिप जो कि ओरिजिनल RCB के हैं, लुक चेकआउट करो किस तरीके भाई साहब RCB इधर से दिखा रहे हैं इधर से। ये RCB के इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी ब्रांडिंग जो कि मिलते हैं ओरिजिनल ये वाले ग्रिप। आपको कलर की कोई टेंशन है नहीं, आपको सेम इधर देखने मिलेगा, सेम मिलेगा आपको इस तरफ। और कलर की जैसे मैंने बताया आपको कलर की कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, कलर जो आपको चाहिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली ही मिल जाता है हमारे पास। और RCB की बात चल रही है तो पहले RCB के आइटम दिखाऊँ नीचे आओ। ये देखिए ये RCB का कैलिबर जो कि इसके अंदर लगा दिए गए हैं। RCB का कैलिबर लगाने से क्या होता है तो ब्रेकिंग हो जाता है काफ़ी स्मूथ जो कि आपको पता ही है ओरिजिनल है। साथ में RCB की लगा दी गई इसमें डिस्प्लेट देख सकते हो आप। ये देखिए RCB की ब्रांडिंग की मिल जाती है आपको ये डिस्प्लेट जो कि लुक कुछ इस तरीके से नॉर्मल आपको पता है सिंपल कैसी आती है, ये थोड़ी सी लुक को करती है काफ़ी ज़्यादा एनहेंस। और लगने के बाद देखो कैसी लग रही है ये बाइक और ब्रेकिंग सिस्टम इसके हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत। और साथ में इसमें लगा देंगे शॉकर प्रोटेक्शन पॉक्स लैडर जिससे आपका शॉकर और डिस्प्लेट ये होता है आपको पूरी तरीके से सेफ इधर भी सेम इधर। और रेड बाइक का कॉम्बिनेशन दिया गया है इसके अंदर चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। और अब बात करें थोड़ी सी ऊपर की, देखिए ऊपर में दिखाएंगे आपको इसके अंदर ही देखिए ये मिलता है आपको रेड कलर का आपको एरोक्स की ब्रांडिंग वाला वाइज़र जो कि आपको मिलता है ओरिजिनल।
ये ओरिजिनल वाला वाइजर है जो इसमें लगा होता है, उसी को चेंज करके रिप्लेस करके इसमें लगा दिया लाइटिंग वाला, जिसमें एरोक्स लिखा भी होगा, प्लस यामा की ब्रांडिंग मिलेगी, प्लस जो एरोक्स की जो ब्रांडिंग है वो पूरी मिल जाती है इस तरीके से देखने को। और साथ में इसमें देखने को मिलेगा इसके नेपोलियन वाले मिरर, जो कि लेटेस्ट न्यू स्टाइल वाले हैं, इसके अंदर मिल जाते हैं आपको दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ देखते हो। लुक चेकआउट करो कैसी आती है लगने के बाद, और लगने के बाद जो लुक तो आती है वो तो आती है, तो लुक के साथ ना इसके अंदर व्यू भी आता है पूरी तरीके से नज़र आपको, क्योंकि आपको पता है जब अगर जो मिरर लगवा लिए और व्यू ही ना आए तो फ़ायदा कुछ नहीं है मिरर लगवाने का, तो वो इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। साथ में हॉर्न भी इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, देख सकते हैं ये देखिए हॉर्न भी इसके अंदर लगा देंगे, क्योंकि रोड पर निकलने के बाद तो पता है ना आपको ईजिली साइड नहीं मिलती है। और दिखा दो एक और चीज़ आइए, ये देखिए इसमें देखने मिलेंगे इंडिकेटर जो कि लगा देंगे, इंडिकेटर हैं इसके जो कि मिलते हैं दोनों तरफ, इसमें भी वाइट रोशनी है, और अब जलाऊंगा इंडिकेटर तो आपके हो जाएंगे इंडिकेटर जलाने के बाद येलो, ये देख सकते हैं ये हो गया है येलो। और ये भी है ओरिजिनल लोकल, कोई भी माल इसमें नहीं लगा है, सारा सामान जो है वो इसमें लगा है ओरिजिनल। साथ में इसमें देखने को मिलेगा इसके अंदर एरोक्स की ब्रांडिंग के आपको ग्राफिक्स ये भी मिलते हैं आपको इसके ओरिजिनल, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ में हैंडमेड नहीं है, सब कुछ इसका रेडीमेड है, जो ओरिजिनल आता है वही इसके अंदर लगा दिया गया है। और इसके बाद अब दिखाता हूँ इसके अंदर क्रैश गार्ड, फ्रंट क्रैश गार्ड लगा दिया गया, लुक चेकआउट कर लो क्रैश गार्ड लगने से क्या होता है, और आपकी बाइक हो जाती है पूरी तरीके से सेफ, चाहे स्कूटर हो चाहे बाइक हो, किसी में भी लग सकता है आपका। आप देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है, स्लाइडर मिल जाता है इधर एक मिलता है इस तरफ, दोनों तरफ मिल जाता है आपको स्लाइडर्स। और इसे लगाने के बाद ना अगर गाड़ी आपकी कहीं भी गिरती है तो समझ लो पूरी बॉडी हो जाती है प्रोटेक्ट, इसे कहते हैं फुली प्रोटेक्शन वाला क्रैश गार्ड। साथ में मिलता है इसके अंदर ओरिजिनल एचजेजी ओरिजिनल, यह मिलता है ऑल वाली फॉग लैंप जो कि मिलती है आपको विद हार्नेस, रोशनी दिखा दो कैसी आती है इसके लिए, ये आपको मिलती है इसके अंदर येलो, ये आपकी होगी वाइट, येलो वाइट, और ये ब्लिंकर्स, बहुत सारे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। और ब्लिंकर की बात करी जाए तो इसमें 4 to 5 पैटर्न इसके अंदर आपको इजीली मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो स्विच है ना ये हार्नेस के साथ ही आता है, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वायरिंग आती है पूरी कंप्लीट, हार्नेस होती है, बटन होता है, रिले वगैरह सब कुछ इसके अंदर कंप्लीट कॉम्बो किट होता है इसके अंदर। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको एक और चीज़, आइए इधर देखिए, ये मिलेगा आपको एरोक्स की ब्रांडिंग वाला फुट मैट जो कि इसमें लगा दिया गया, गाड़ी का कलर जो है वो मैंने बताया ब्लैक एंड रेड, ये मैचिंग लगा दिया गया, तो देख सकते हो इधर भी सेम मिलेगा आपको उस तरफ। लुक चेकआउट कर लो लगने के बाद किस तरीके से लुक निकल कर आती है इसकी। साथ में इसमें लगा दिया गया आपका टैंक पैड, देख सकते हो टैंक पैड जो कार्बन और रेड की मैचिंग का, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, जिससे इस पर स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे और लुक भी काफ़ी एनहांस हो गई है लगाने के बाद। साथ में इसमें लगा दिया गया एक, ये देख सकते हैं ये भी आरसीबी का मिलता है आपको हेलमेट हुक जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है गोल्डन कलर का, जो लुक को तो इनहेंस करेगा, साथ में कुछ भी सामान कैरी करना हो तो वो हो जाएगा इजी, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर नहीं आता है ऐसा कुछ भी सिस्टम। साथ में सीट देख रहे हैं आप, बुलबुल का बच्चा है ये, और ये सीट दोबारा मैं नहीं दे पाऊँगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, लास्ट पीस था जो कि भैया को पसंद आया, काफ़ी सॉफ्ट है। जो दूसरा वाला माल है ये भी मलेशिया थाईलैंड वाला माल है, बट ये बहुत ही कम मंगवाते हैं हम लोग, क्योंकि इसकी सेलिंग कम है, क्योंकि लोगों को एरोक्स की ब्रांडिंग के ज़्यादा पीछे पड़े होते हैं, यहाँ पर जो होती है इसमें ब्रांडिंग नहीं है, बट काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी इसकी लुक ज़बरदस्त है देख सकते हो आप। और ये थोड़ी सी बड़ी है जो कि समझ सकते हो बैठने के बाद ना काफ़ी ईजी टू राइड होने वाली है इसमें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, कुछ माल पड़ा था अभी लास्ट था लग चुका है, अब ये नहीं मिलेगा हमारे पास भी। साथ में इसमें मिलेगा आपको देख सकते हैं ये प्रीमियम क्वालिटी वाला आपको मिलता है लेडीज़ फुटरश, प्रीमियम बोले तो इस पर आप मतलब मेरे ऐसा बंदा भी ना पैर रख के आराम से बैठ सकता है, और बैठने के बाद फुल कंफर्टेबल फील होगा बैठने में भी। और लुक चेकआउट कर लो, कलर में एक मिलता है आपको ब्लैक, एक मिलता है आपको रेड इसके अंदर। और इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर साइस्टेंट जैकेट जो कि देख सकते हो आप, साइस्टेंट जैकेट है ये भी लगा दी गई इंडोनेशिया वाली, इसे लगाने से आपका एक तो स्टैंड हो गया ना पूरी तरीके स्टेबल खड़ी रहेगी आपकी स्कूटर या बाइक कुछ भी हो, और साथ में स्टैंड ना घिसने से बच जाता है पूरी तरीके से। इधर आपको देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हो, तो ये है कवर जो कि आपको मिलता है इसका, फिल्टर कवर, इंजन कवर, कार्बन कलर के हैं ये भी लगा दिए गए, इसे लगाने के बाद लुक को चार चांद लग जाते हैं इसे लगाने के बाद। जैसे कि आप देख सकते हो न्यू आपकी बाइक है स्कूटर है, और न्यू के अंदर ही सारा कुछ न्यू वर्क कर दिया गया है। और उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर आरसीबी के ओरिजिनल बैक साइड, आइए आरसीबी के ओरिजिनल मिलेंगे आपको शॉक ऑब्जर जो कि मिलते हैं एडजस्टिंग में, देख सकते हो ये हैं आपके एडजस्टिंग वाले, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। लगाने के बाद ना राइडिंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी, कुछ गड्ढे वगैरह होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एरोक्स के अंदर, खट 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 आवाज़ आती है, और ये प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो चुकी है, दोनों तरफ लगा दिए हैं वही वाले शॉकर जो मैंने आपको दिखाए थे आरसीबी के ओरिजिनल। और बैक साइड में देखें तो टायर अगर ये भी इसका लगा दिए गए जिससे डस्ट वगैरह भी कंट्रोल, साथ में ना डस्ट के साथ साथ सेफ्टी भी हो जाती है, क्यों, क्योंकि जब पीछे से अगर कोई भी लगता है तो आपके मड़गाड़ पे जा सकता है। अब इस पर लगने का खतरा भी खत्म हो गया क्योंकि अंदर की तरफ लगा है, और लुक काफ़ी एनहांस हो गई है, और डस्ट अंदर जाने से काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी इसे लगाने के बाद।
साथ में इसमें लगा दिए गए इंडिकेटर। ये इंडिकेटर मिलते हैं आपको ओरिजिनल एरोक्स की प्रॉपर फिटमेंट वाले, देख सकते हो आप एलईडी वाले इंडिकेटर्स हैं। आगे तो अपने एलईडी देख लिया, बैक साइड में एलईडी भी देख लो, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। साथ में इसमें लगा दिए गए अंडरटेल लाइट वाले, देख सकते हो इंडिकेटर भी चल रहा है इसके अंदर अंडरटेल के अंदर दोनों तरफ, इधर भी सेम इधर। और साथ में ना इसके साथ ही आपको मिलता है मल्टी कलर, देख सकते हो कोई भी कलर अपने हिसाब सेट कर सकते हो इजीली, ये भी सेट हो जाएगा। और अब आरसीबी की बात आ रही है, अंदर मिलता है आपको इसका रियर मैट, जो कि ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है, देख सकते हो। ये भी लगाने के बाद ना जो डस्ट वगैरह पूरी तरह कंट्रोल हो जाती है। और उसके बाद दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं एक और आरसीबी की आइटम, ये मिलता है आपको आरसीबी का ओरिजिनल रेडिएटर गार्ड। जो नॉर्मल जो गार्ड आ रहा था ना मार्केट के अंदर, वो हमने क्या मतलब पीछे से आना बंद हो चुका है, तो ये आरसीबी का इसके अंदर लगा देगा ओरिजिनल। कलर की टेंशन, कलर कोई भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसे लगाने के बाद लुक भी इनहेंस हो जाती है और साथ में ना सेफ्टी हो जाती है आपकी, इसकी स्कूटर की कोई रेडिएटर पूरी तरह से सेफ। इधर मिलेगा आपको एग्जॉस्ट, जो कि फुल सिस्टम जैसे मैंने दिखाया आपको, साउंड आपने सुनी ली थी बट अभी एक बार वो फिर सुना दूंगा। साथ में एग्जॉस्ट स्लाइडर भी लगा दिए गए, जो कि मिलता है आपको टाइटेनियम कलर के। कलर कॉम्बिनेशन टेंशन, कलर कोई भी मिल जाता है आपको इसके अंदर। और अब एक बार मैं सुना देता हूँ इसकी एग्जॉस्ट की साउंड, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लो, ये मिलेगा आपको इसके अंदर टॉप रैक, जो कि देख सकते हो। टॉप रैक लगाने के बाद ना क्या होता है कि कुछ भी सामान ईजी होता है इसमें कैरी करना, कुछ भी ले जाना। वैसे भैया ने शौक के तौर पर लगाया बट आप इसमें कोई भी सामान कैरी कर सकते हो, चाहे टॉप बॉक्स भी जाओ वो भी लगा सकते हो। जैसे मेरी लास्ट वीडियो में देखा ना, टॉप बॉक्स मैंने लगा रखा है उसके अंदर। और अब करते हैं स्टार्ट और सुनाता हूँ इसकी R1M की साउंड किस तरीके से आने वाली है। तो अब मैं सुनाता हूँ इसकी साउंड आपको, ये होती है आपके थ्रोटल पर, नहीं स्टार्टिंग पर, ये होती है आपके नॉर्मल आइडल पर। अब मैं सुनाता हूँ इसकी साउंड थ्रोटल देने के बाद, सुनिए। अभी इसके अंदर डीबी किलर लगा रखा है क्या, जो कि मैंने आपको पहले साउंड सुनाई थी इसके अंदर बिना डीबी की, साउंड कैसी लगी बताना। और इसका जो ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन है वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और ये ध्यान रखना, ये आरसीबी लोडेड एरोक्स, जो कि आपने मेरे ख्याल से बहुत ही कम देखने मिलेगी आपको, जिसमें 90% सामान लग चुका है। फ्रंट के शॉकर्स लगने बाकी हैं, वो नेक्स्ट टाइम जब माल आएगा ओरिजिनल आरसीबी का तभी लगाएंगे, मोटो रेसिंग हम नहीं लगाएंगे इसके अंदर। और अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ से आए हैं और भैया का हमने दिल जीता या नहीं जीता। आइए भैया। तो हेलो सर, नाम क्या है, कहाँ से आए पहले बताइए। प्रिंस नाम है, बल्लभगढ़ फैदाबाद से आया हूँ। और साथ में बता दिए कि कैसा लगा आप। बस भाई, जो शब्द नहीं होते बोलने के लिए वो शब्द इनके लिए कम है। जो आइटम मेरे को चाहिए थे मैंने पहले तो व्हाट्सअप किया भाई को, भाई ने मेरे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दिया, भैया ये इस रेट का भी है, ये इस रेट का भी है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। मेरे को तो वन रूफ टॉप के अंदर ही ना सारा कुछ मिल गया, कहीं और जाएँ जोत ही नहीं पड़ी, ना किसी से रेट लेनी जोत पड़ी। रेट भी इनके इतने ज़्यादा इफेक्टिव वाले थे कि मतलब जो प्राइस होना चाहिए मार्केट के हिसाब से, आप ऑनलाइन भी देखोगे ना उससे अच्छे ही मिलेंगे आपको। और यहाँ पर ये कि जेन्युइन चीज़ मिलती है, जेन्युइन चीज़ लगती है, वो देख के काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ 101%। भैया अगर रिव्यू आपने चेक कर लिया, बाकी अगर कुछ क्वारीज वगैरह हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एड्रेस, लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डाला हुआ है। बाकी कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहता हो, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7827-217-14, वो मेरा पर्सनल नंबर है। आप चाहो तो मेरे से भी डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सअप करके कुछ भी क्वारीज को आप मंगा सकते हो अपने घर बैठे। और बाकी करना क्या पता ना, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय श्री राम, गुड बाय।